सो व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस इज बैंक्स कस्टम और मैं हूँ भानु प्रताप। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? सो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं द ऑल न्यू महिंद्रा थार। सो गाइस गाड़ी है फुली लोडेड गाइस और इंटीरियर्स बहुत ज़्यादा लग्जरी रहने वाली है। एक्सटीरियर्स आप देखिए, सिनेमैटिक शॉट जो है आप इन्जॉय करिए आने वाली वीडियो में। सो आज बात करते हैं डिटेल में कि गाड़ी में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखी है। गाइस फुली लोडेड पैकेज है नई वाली थार का, ऐसी कोई भी एसेसरीज नहीं है जो इसके अंदर ना इंस्टॉल्ड हो। मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ गाइस, यूट्यूब पे ये गाड़ी पहली बार आने वाली है, सो इसलिए वीडियो का बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। सो इसलिए वीडियो के साथ जो है एंड तक जुड़ रही है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक करिए। आज की जो मेरी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है इस मॉडिफाइड थार के बारे में। सो सबसे पहले बता दूं, गाड़ी है देहरादून से, अपना शहर है गाइज, यहाँ रखी है रेविड स्टोर चंडीगढ़ पे, फुल रिस्टोर्ड बाय रेविड स्टोर। सो यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रंट से, पहले एक पूरा वॉक अराउंड करवाता हूँ मैं आपको गाड़ी का। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्वामरीन कलर में जो ये गाड़ी रेडी हुई है, सो अपने कमेंट्स में बताना। इतने ही खास इसके लग्जरी इंटीरियर्स रहने वाले हैं गाइस, जितने ये खास बाहर से है उतने ही खास ये अंदर से है। मज़ा आएगा आपको ये वीडियो में देखने में, पूरी देखिएगा गाइस। जो थार लवर्स हैं उनके लिए तो स्पेशल आज की ये मेरी वीडियो रहने वाली है। सो बात करते हैं सबसे पहले, तो ये जो वेरियंट है गाइस एम स्टैलियन पेट्रोल है ये। यहाँ पे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सो सबसे पहले बात बता देता हूँ 2021 मॉडल ऑल न्यू महिंद्रा थार यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है मेरे सामने फुली लोडेड। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फ्रंट ग्रिल से। सो फ्रंट में आपको रैंगलर स्टाइल ग्रिल देख जाएगी जो कि गाइज ग्लॉस पेंट में है, एक्वा मरीन ही जो बॉडी कलर है वही कलर की आपको यहाँ पे ग्रिल देखने को मिलेगी, और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का पेंट जो यहाँ पे यूज हुआ है, 2K पेंट है गाइज, बहुत ही एक्सक्लूसिव जो है लुक दे रहा है। फ्रंट से देखिए एकदम, आप कह ही नहीं सकते कि ये थार है, फ्रंट से देखने में बिल्कुल जीप रैंगलर की लुक दे रही है। होप आपको इसके सिनेमैटिक शॉट जो है वो पसंद आए होंगे। तो गाइज अगर मैं बात करता हूँ इसकी लाइट्स की, तो यहाँ पर हेडलाइट्स देखिए आप, बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन की और बहुत ही नए डिज़ाइन की आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अंदर आपको स्टार्स भी देखने को मिलेंगे और एंजल रिंग भी आपको देखने को मिलेगा विद इंडिकेटर। सो गाइज उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट से, कुछ ऐसी लुक रहेगी, सिनेमैटिक शॉट्स में आपने इन्जॉय करा होगा। बात करते हैं हम इसके फ्रंट बम्पर की, तो ऑफ रोड बम्पर है गाइज, ये फाइबर का बम्पर है, एकदम नया है ये बम्पर। पहले हमने सिर्फ बात करी है यहाँ पे मेटल बम्पर्स की, बट यहाँ पर ये फाइबर बम्पर भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। इसके अंदर आपको एक छोटी सी ग्रिल साइड में जो देखने को मिल जाएगी, उसके बाद जो नीचे आपको फॉग लाइट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर एंजल रिंग वाली और प्रोजेक्टर लाइट्स वाली देखने को मिल जाएंगी, जो कि इसकी लुक्स को और ज़्यादा बढ़िया बना रही है। बात करते हैं हम इसके इंडिकेटर की, तो LED इंडिकेटर्स हैं और यहाँ पर आपको नॉर्मल जो ऑरेंज इंडिकेटर है वो देखने को मिलेगा, साथ ही में LED एलिमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सो फ्रंट से तो कुछ गाइज इस टाइप की इसकी लुक रहने वाली है। अब हम साइड प्रोफाइल की हम इसकी बात करें, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ इसके टायर्स की, तो यहाँ पर 80 टायर जो हैं इसमें डले हुए हैं, बट जो टायर है वो आपको इम्पोर्ट में देखने को मिलेगा, ब्रांड न्यू टायर है। तो गाइज अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करता हूँ, तो स्टार्ट करते हैं हम इसके फेंडर्स से। सो यहाँ पर जो कंपनी फेंडर्स आते हैं उसके ऊपर ये एसेसरी पार्ट जो है इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, सो आप चेक कर सकते हैं, ये भी पूरा फाइबर का यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं हम इसके एलॉयज की, तो गाइज जितनी गाड़ी बाहर से बढ़िया उतने खास इसके एलॉय व्हील्स रहने वाले हैं, बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन के आपको यहाँ पर ब्लैक में आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। सो गाइज जो टायर का साइज रहने वाला है गाइज वो रहने वाला है यहाँ पे 275/45 R20, तो 20 इंचज़ के आपको अलॉय व्हील्स इसमें देखने को मिलने वाले हैं 275/45-20 नंबर के साथ। जो अंदर ब्रेक कैलिपर्स हैं गाइज वो आपको पूरे नियॉन ग्रीन देखने को मिलेंगे, और गाइज ये कोई स्प्रे पेंट नहीं है, ये 2K पेंट है यहाँ पर जिसमें ये पेंट हुआ हुआ है। ये रहने वाला है ऑटोमेटिक फुटस्टेप, ये खुल गया ऑटोमेटिक फुटस्टेप यहाँ पर, और थार की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर फुटस्टेप पे देखने को मिल जाएगी। ये मैंने डोर क्लोज करा और ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया, सिनेमैटिक शॉट्स में भी आपने देखा होगा, बहुत ही प्रीमियम चीज़ है,
बहुत ही लेटेस्ट है और काफ़ी रेयर है गाइज, अभी तक बहुत कम लोगों ने डलवाई है थार के अंदर। उससे पहले तो गाइज नॉर्मली ये डली रही थी इसुजू वगैरह के अंदर। अगर बात करता हूँ रियर ड्रम की, तो यहाँ पर रियर ड्रम भी आपको नियॉन ग्रीन में पेंट होता दिख जाएगा गाइज, 2K क्वालिटी का पेंट है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ तो ये फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं, ये स्प्रे का कमाल नहीं है, ये 2K क्वालिटी है। उसके बाद बात करता हूँ गाइज यहाँ पर कुछ महिंद्रा की एसेसरीज की। सो गाइज ये डोर वॉइजर्स और ये कुछ क्रोम किट यहाँ पर जो है महिंद्रा की तरफ से ही लगी हुई है। सो यहाँ पर अगर मैं रियर से बात करता हूँ तो एक स्पेयर रियर व्हील आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो ये भी आपको 20 इंचेस का 80 टायर आपको यहाँ पर इंस्टॉल हुआ दिख जाएगा। जो रियर टेल लैम्प्स हैं उसके ऊपर आपको यहाँ पर क्रोम ग्रिल जो देखने को मिल जाएंगी, पार्किंग सेंसर्स हैं यहाँ पर, रिफ्लेक्टर्स के ऊपर भी जो है आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा, बल्कि जो रिफ्लेक्टर लाइट है वो भी आपको आफ्टर मार्केट यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं हम इसके इंटीरियर से, जितने एक्सटीरियर इसके खास रहने वाले हैं उतने ही खास इसके इंटीरियर्स रहने वाले हैं। सबसे बात पहले करता हूँ मैं यहाँ पे डोर पैनल से। सो आप देखिए पूरे यहाँ पे बेज एंड वुडन टोन में जो है डोर पैनल्स हमने कर दिए हैं। यहाँ पर थार की ब्रांडिंग आपको वुडन में देखने को मिलेगी। एम्बिएंट लाइटिंग आप चेक कर सकते हैं, थोड़ी रोशनी हो रही है, सिनेमैटिक्स में आपने देख ही ली होगी, एम्बिएंट लाइटिंग इसमें पूरी इंस्टॉल्ड है गाइस। यहाँ पे ऑटोमेटिक फुटस्टेप जो है खुला हुआ है। बात करते हैं इंटीरियर्स की, तो यहाँ पर टचस्क्रीन सेटअप आपको 10 इंच का देखने को मिल जाएगा, साथ ही में पूरा वुडन पैनल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इवन तक कि जो गियर नॉब का पैनल है वो भी आपको वुडन में देखने को मिलेगा। सो बात करते हैं हम इसके सीट्स की, तो गाइज टैन कलर की यहाँ पे कस्टम मेड सीट्स जो है इसके अंदर इंस्टॉल्ड है विद एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट, और साथ ही में जो फ्लोरिंग है गाइज वो भी आपको टैन देखने को मिलेगी, मैट भी आपको यहाँ पर लेदर में देखने को मिलेंगे टैन कलर के बॉर्डर के साथ। अगर मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो यहाँ पर जो फील है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बात करते हैं स्टेयरिंग व्हील की, तो स्टेयरिंग व्हील आपको पूरा स्टिच्ड देखने को मिलने वाला है ब्लैक में, और साथ ही में आपको यहाँ पर टैन कलर का जो है यूज़ देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं आर्मरेस्ट की, तो गाइस ओपनेबल आर्मरेस्ट जो है इसके अंदर इंस्टॉल्ड है विद स्टोरेज स्पेस, और ये भी आपको लेदर फिनिश के साथ यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं फ्रंट डैशबोर्ड की, तो गाइस डैशबोर्ड भी आपको यहाँ पर लेदर फिनिश देखने को मिलने वाला है, आपको 10 इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले उसमें देखने को मिलने वाला है, एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट के साथ कुछ इस टाइप की आपको सीट्स देखने को मिलेंगी, कस्टम मेड लेदर की सीट्स हैं बाय रेविड स्टोर। पूरा जो आपको पैनल देखने को मिलेगा फुल टैन में मिलेगा, और ये ग्लो बॉक्स रहने वाला है। सो बात करते हैं हम इसकी गाइज एम्बिएंट लाइटिंग की, तो पूरी गाड़ी में जो है एम्बिएंट लाइटिंग इंस्टॉल्ड है, इनफैक्ट इसके अंदर जो रूफ लाइट्स जली हुई है उसका रिमोट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, कुछ इस टाइप का आपको रिमोट देखने को मिलेगा। अभी रूफ लाइट्स की बात करते हैं और फिर मैं आपको रियर में दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स जो है और इंस्टॉल्ड है। सो गाइज ये रहने वाली है यहाँ पे रूफ लाइटिंग, आप थार के अंदर ही बैठ के पूरी रॉयल्स रॉयल्स जो वाली यहाँ पे फील इसमें ले सकते हैं। तो ये रूफ लाइटिंग का रिमोट मैंने आपको दिखाया था, उससे आप इसके कलर्स जो है चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट इसकी एक ऐप भी है, एप्लीकेशन में जाएं और आप एप्लीकेशन से ही अपने फोन से जो कलर्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस टाइप की ये रूफ लाइट्स रियर में भी देखने को मिलेगी, एकदम प्रीमियम फील के साथ जो एक रॉयल्स रॉयल्स में आती है गाइज उस टाइप की आपको फील देखने को मिलेगी। अगर मैं रियर से दिखाऊँ तो यहाँ पर रियर आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा विद ग्लास होल्डर, पूरे में आपको मैटिंग टैन में देखने को मिलने वाली है गाइज। उसके बाद रियर कस्टम सीट्स कुछ इस टाइप की रहेंगी। सो बताना गाइज कमेंट्स में आपको ये वाली जो कस्टमाइज थार है ये कैसे लगी। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, एम्बिएंट लाइटिंग भी जल गई है गाइज, यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं, ये रही पूरी एम्बिएंट लाइटिंग, उधर भी आप देख सकते हैं डोर पैनल्स में आपको एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलेगी, रूफ लाइट्स और यहाँ पर आपको नीचे की फ्लोर लाइट्स भी देखने को मिलेंगी। तो अंदर से भी काफ़ी अट्रैक्टिव है गाड़ी, जैसे बाहर से अट्रैक्टिव है वैसे ही अंदर से लग्जरी यहाँ पर आपको फील दे रही है विद रूफ लाइट्स। मेरी आज की वीडियो, होप आपको ये वाली मॉडिफाइड थार है जो पसंद आई होगी गाइज, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट थार जो मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी तक नए वाले मॉडल में। सो गाइज आपको ये अगर ऐसी मॉडिफिकेशंस करवानी है तो आइए रेविड स्टोर चंडीगढ़ में, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर एड्रेस लिंक में तीनों प्रोवाइड कर दूंगा, अपनी डील जो है जल्दी से जल्दी क्रैक करिए। सो गाइज अगर आपको ऐसी मेरी वीडियोज पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को बैंक्स कस्टम, मैं फ्यूचर में ऐसे और अपडेट्स लेके आता रहूंगा। अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोज को गाइज देने के लिए बहुत 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 थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय, टेक केयर।